गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक क्लास 7। इन दिस वीडियो वी डिस्कसिंग अवर चैप्टर नंबर 8 ऑफ हिस्ट्री व्हिच इज रिलीजियस बिलीव्स एंड द डिवोशनल पार्ट। इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरियस टॉपिक्स लाइक व्हाट इज भक्ति मूवमेंट, व्हाट आर नारायण, व्हाट आर अल्बर्ट्स, व्हाट आर सूफी ऑर्डर्स, व्हाट आर सूफी फिलोसफी। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर ऑन पेज नंबर 68। द मेडिवल पीरियड्स आर द राइज ऑफ द टू रिलीजियस फिलोसफर्स व्हिच इन्फ्लुएंस्ड द राइट ऑफ द पीपल। These were Bhakti and the Sufi philosophers. These philosophers not new to the people. What was the new? Was the increasing importance of this trend in the life of the people. The idea of the devotion was first enacted in the Bhagavad Gita. जो medical period में आप लोगों ने देखा होगा कि जो religious philosophers थे उनसे क्या हुआ, तो लोगों की जो life थी उनके द्वारा influence होनी start हो गई थी। पर जो philosophers थे ये नए नहीं थे। नया क्या था, उनकी जो importance थी trend के साथ साथ वो जो increase हो रही थी उसकी वजह से जो इनकी लाइफ थी वो ज़्यादा इंक्रीज होने स्टार्ट हो गई। ये सबसे पहले इसका जो आइडिया था वो कहाँ पे अपने को दिखना, भगवत गीता के अंदर इसके आइडिया के बारे में पता लगा। अब जो भक्ति मूवमेंट थी, क्या जो भक्ति मूवमेंट थी उसने जो अपनी पॉपुलैरिटी थी कैसे गेन करी, मेडिवल पीरियड के अंदर अपने इसने पॉपुलैरिटी को गेन किया। एक जो नया मूवमेंट को स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया था, अल्बर्ट और नारायणा ने एक नई मूवमेंट को स्टार्ट किया। और जो सेंट्स थे साउथ इंडिया के, सेंट्स का मतलब क्या होता है, जो साधु थे मेडिवल पीरियड के अंदर उन्होंने अपनी जो मूवमेंट को स्टार्ट किया। और जो साधु थे मेनली कौन थे, बुद्धिस्ट और जैनिस थे, जो कि प्रीच क्या करते थे, लोगों को बताते थे कि अपने गुरु तक कैसे पहुंचना। और वो वर्शिप किसकी करते थे, शिवा की और विष्णु की वर्शिप करते थे। जो नारायण था और जो अल्बर्ट थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपनी पोएम को कंप्रेस करते थे, मतलब अपनी जो पोएम थी उसको बनाते थे। 10th और 12th century के अंदर उन्होंने 14 kings को वहाँ गए और काफ़ी उन्होंने टेम्पल्स वगैरह वहाँ पर विजिट करे और इनकी जो बायोग्राफी थी वो भी कंपोज हुई। अब नारायणस क्या था, जो 63 नारायण से जो कि बिलोंग करते थे काफ़ी डिफरेंट कास्ट से, जैसे कि वर्कर्स हो गए, वर्कर्स कौन होते हैं, जो लोग काम करते हैं। पीजेंट्स कौन होते हैं, जो लोग जैसे कि किसान हो गए, पोएटर्स जो कि एक कहानी वगैरह लिखते हैं वो, हंटर्स जो कि शिकार करते हैं। और जो नारायण थे वो वर्शिप किसकी करते थे, लॉर्ड शिवा की वो वर्शिप करते थे, मतलब लॉर्ड भगवान शिवा की वो वर्शिप करते थे। उनमें से कई फेमस थे जैसे सबांदर, सुंदरम एंड मणिकावस्कर, ये कई फेमस उनमें से नारायणस थे। इनकी दो सॉन्ग्स थे जिनका नाम क्या था, तेवराम एंड त्रिवुचकम। इनके नाम थे तेवराम और त्रिवुचकम, दो नाम थे इनके। अब बात करते हैं अल्बर्ट क्या होते हैं। अल्बर्ट जो थे वो 12 नंबर थे उनके, जैसे जो नारायण थे तो 63 थे नंबर्स में, पर जो अल्बर्ट थे वो कितने थे, 12 थे नंबर्स के अंदर, जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे। सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला कौन था, पेरियार, जो कि डॉटर थी अनंतर की और नमलवार की। उनके काफ़ी सॉन्ग्स को कंपेयर किया, उनका एक सॉन्ग क्या था, दिव्या प्रवदनम, दी अल्बर्ट वर्शिप लॉर्ड विष्णु। और जो अल्बर्ट थे वो किसकी पूजा करते थे, लॉर्ड विष्णु की। नारायण 63 नंबर में थे, अल्बर्ट 12 नंबर में थे। नारायण पूजा किसकी करते थे, लॉर्ड शिवा की। और जो अल्बर्ट थे किसकी करते थे, लॉर्ड विष्णु की। अब बात करते हैं फिलोसफी एंड भक्ति। शंकराचार्य वाज वन ऑफ द फेमस फिलोसोफर ऑफ इंडिया, बॉर्न इन केरला इन द 8th century। जो शंकराचार्य सबसे एक इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर था, जो कि उसका जन्म कब हुआ, 8th century में केरला के अंदर जन्म हुआ। ही एडवोकेट अद्वैतिज्म, अ डॉक्ट्राइन प्रीच ऑन वन एंड्स ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड। ही कॉल्ड द वर्ल्ड एज माया, वो वर्ल्ड को क्या कहता था, एज अ माया, मतलब इल्यूजन। He preached adoption of the right path of the knowledge of the world to knowledge of the world to understand the true nature of the God. और उसका मेन मोटिव क्या होता था, लोगों को क्या बताता रहता था कि हमें God तक पहुँचने का सही पाथ क्या है, मतलब God तक पहुँचने के लिए सही रास्ता क्या है। Ramanuja was a saint from Tamil Nadu, born in the 11th century. He was a follower of the Lord Vishnu, who taught his discipline and devotion to the Lord was only means of union with the God. His message was carried forward by his discipline Ramananda. जो Ramanuja था वो क्या था, एक तमिलनाडु का saint था, मतलब तमिलनाडु का एक साधु था, जो जिसका जन्म कब हुआ, 11th century के अंदर हुआ। वो एक follower था जिसका Lord Vishnu का, जो जिसने लोगों को बताया कि कैसे लोग उसने काम करना है और कैसे डिवोशंस करने हैं। कबीर एंड नानक रिजेक्टेड
रिलीजन बट तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड एक्जिस्टिंग बिलीव्स एंड द प्रैक्टिसेस। कबीरदास ने और गुरु नानक देव जी ने हर रिलीजन को रिजेक्ट कर दिया, पर जो तुलसीदास और सूरदास थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। तुलसीदास इन ऑफ दीज फाउंड इन एवरी हिंदू हाउस होल्ड, जो तुलसीदास की रामचरितमानस है वो हर घर में देखने को मिलेगी, आप लोगों के घर में भी शायद होगी। रिवर्स रिवॉर्ड ऑफ द लॉर्ड राम, जो तुलसीदास था वो किसको मानता था, भगवान राम को मानते थे। सूरदास का ग्रेट रिवॉर्ड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो सूरदास थे वो किसको मानते थे, कृष्णा को। हिज डिवोशन स्प्रिट इन सुरसागर, सरस्वती एंड क्षत्रिया लहरी, उनकी कई बुक्स हैं जिनमें उनकी भक्ति के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं बरसाना विशा विष्णु। बरसाना स्टार्टेड अ न्यू मूवमेंट कॉल्ड द विशा सेवा। इट बिगन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी। ही प्रीच्ड इक्वालिटी ऑफ द ऑल वुमेन बीइंग्स एंड वाज अगेंस्ट कास्ट एंड द इल ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन स्पॉटेड बाय अलमा प्रभु। दे आल्सो प्रीच्ड अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड द रिचुअल। अब इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी जिसका नाम क्या है, विशा सेवा, जो कि कब स्टार्ट हुई थी, कर्नाटका के अंदर स्टार्ट हुई थी 12th सेंचुरी के अंदर। उन्होंने बताया इक्वालिटी के बारे में और ह्यूमन बींग्स के बारे में, और वुमेन के साथ हमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना, मतलब वुमेन के साथ हमें कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना, और हमें किसको सपोर्ट करना है, प्रभु को सपोर्ट करना है, और हमेशा वो भगवान की वर्शिप के बारे में ही बताता गया, और हमें क्या रीति रिवाज को फॉलो करना है हमेशा उसके बारे में उन्होंने बताया। दैट सेम्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कई साधु हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। ड्यूरिंग द 13th to 17th सेंचुरी महाराष्ट्र सा लार्ज नंबर ऑफ सेम पॉइंट्स whose composition in Marathi continued to inspire people. These poets were 13th से 17th century के अंदर कई महाराष्ट्र के भी साधु हैं जो कि उन्होंने मराठी मतलब लोगों को इंस्पायर किया मराठी के अंदर। उनके नाम क्या है, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, जनेश्वर। दिस सेट्स पॉइंट्स रिजेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ द रिलीजियस आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पिटी एंड सोशल डिफरेंट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल। इनफैक्ट दे इवन रिजेक्ट द आइडिया ऑफ द Education and prefer to live with their family, earning their livelihood like any other person, while humble serving fellow human beings in need. A new convincing idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing other faith. फिर जो saints थे उन्होंने क्या किया कि सारे रीति रिवाज को नष्ट मतलब अनफॉलो कर दिया कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें नॉर्मल लाइफ को जीना है, अपनी फैमिली के साथ रहना है और अपना पैसा अर्न करके अपने लिवलीहुड को इंजॉय करना है जैसे कि बाकी लोग भी इंजॉय करते हैं। द वुमेन पोएट्स सकुबाई एंड द जमुना फैमिली वर हु बिलोंग टू अंडरजबर महार कास्ट। एक वुमेन की पोएट थी मतलब एक वुमेन पोएट थी जिनका नाम क्या था, सकुबाई, जो कि अंडरजबर फैमिली से बिलोंग करती थी। दिस सेक्स पोएट प्रीच द भक्ति वाज इन शेयरिंग अदर पीपल्स पेन, भक्ति कुड बी डन बाय रिमेनिंग इन द फैमिली एंड बाय हेल्पिंग फेलो ह्यूमन बींग्स इन नीड। फिर इनके भक्ति क्या कहते थे कि हमें लोगों की हेल्प करनी है, जो भी बंदा बीमार है या फिर किसी भी बंदे को हमारी जरूरत है तो हमें उसकी हेल्प करनी है। नतपंथ सिंस एंड योगीज, अ नंबर ऑफ द रिलीजियस ग्रुप्स दैट एमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड द सोशल ऑर्डर यूजिंग सैंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। दे एडवोकेट प्यूरिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब कई रिलीजियस ग्रुप्स वगैरह थे जो कि क्रिटिसाइज हो गए थे उस ऑर्डर के अंदर, जैसे कि उन्होंने पहले तो अपना बता दिया कि हमें अपने गॉड के अकॉर्डिंग काम करना है, दूसरा जो उनका पाथ था सेलिब्रेशन का मतलब भूखी मरी का, उनको भी हमें फॉलो नहीं करना, मतलब हमें लोगों के साथ अच्छे से वेलिब्रेट करना है। सूफी फिलोसफी, सूफी केम टू इंडिया फ्रॉम द 9th सेंचुरी। द सूफी मूवमेंट हैड इट्स ओरिजिन इन द अरेबिया। द वर्ड सूफी मीन्स वन हू इज प्योर। अब जो सूफी कब आया था, 9th सेंचुरी के अंदर अपने इंडिया के अंदर आया था, उनका मीनिंग क्या मतलब सूफी का मतलब क्या होता है, वन हू इज प्योर, मतलब हमारी जो आत्मा है वो क्या है, प्योर है, हमारी जो आत्मा है वो क्या है, स्वच्छ है। द सूफी सेल्फ बिलीव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ द हेड्स एज वेल एज फॉरन। द मेन प्रिंसिपल ऑफ द सूफीज वर द गॉड इज सुप्रीम एंड ऑल प्रेजेंट। ट्रू लव ऑफ द गॉड्स मीन सर्विंग द फेलो ह्यूमन बींग्स। डिफरेंट रिलीजन प्रे डिफरेंट वे ऑफ रीचिंग गॉड। देयर वन शुड रिस्पेक्ट ऑल ह्यूमन बींग्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड्स और रिलीजन एंड वन टू क्लोजर टू गॉड्स और डिवोशनल म्यूजिक। तो सूफी सेल्फ क्या कहते थे, हमें हमेशा अच्छा धर्म को फॉलो करना है और हमेशा हमें भगवान पर विश्वास रखना है, और जो हमेशा हमें अपने बड़ों की और रिस्पेक्ट करनी है, अगर किसी को भी हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो हमें उसकी फुलफिल करनी है, हमें किसी भी कास्ट पे किसी भी रिलीजन का भेदभाव नहीं करना, और अगर हमें भगवान तक पहुंचना है तो हमें उसका भी जाप करना चाहिए, और हमें जैसे मतलब भजन की वजह से हम भगवान तक पहुँच सकते हैं। सूफीज रिपोर्ट टेंशन टू प्रेयर एंड फास्टिंग। जो सूफी थे हमेशा क्या करते थे, भगवान की पूजा करते रहते थे और व्रत रखते थे। फास्ट का मतलब क्या होता है,
जो लोग जो थे वो जंगलों के अंदर रहना स्टार्ट कर देते थे या फिर पहाड़ों के अंदर रहना स्टार्ट कर देते थे जो सूफी देवर अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स आइडिया ऑफ जर्मिया. सम ऑफ द प्रोमिनेंट सेंट्स वर ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन कुल्ले. कई नाम हैं जो कि फेमस सूफी थे जैसे कि ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती, बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया. अब बाबा फरीद कौन थे? बाबा फरीद एक वाज अ डिसिपल और मोहम्मदीन चिश्ती. ही प्रीच टू लव फॉर द गॉड एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स बिलीफ ऑफ द अल्लाह. ही कंपोज मेनी वर्सेस व्हिच वर रिसाइटेड बोथ बाय हिंदूज एंड मुस्लिम. जो बाबा फरीद थे वो क्या थे, किसके फाउंडर थे? मोहम्मदीन चिश्ती के फाउंडर थे. उन्होंने बताया कि हमें लोग भगवान तक कैसे पहुँचना है और हमें कैसे विश्वास रखना है भगवान के ऊपर. ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती क्या थे? मोहम्मदीन चिश्ती वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सूफी सेंट. ही वॉज द फाउंडर ऑफ द चिश्ती सिलसिलन. ये मोहम्मदीन चिश्ती क्या थे? वो फाउंडर थे किसके? चिश्ती सिलसिलन के, जो कि कब इंडिया आए थे? 1192 के अंदर इंडिया आए थे और अजमेर के अंदर सेटल हो गए थे. उन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स वगैरह लिखे और काफ़ी क्वालियाँ वगैरह लिखी, जिसकी वजह से जो कि क्वालियाँ वगैरह उनकी कहाँ पर होती थी? जब गैदरिंग होती थी तब वहाँ पर इनकी जो क्वालियाँ वगैरह थी गाई जाती थी. और इनकी जो दरगाह थी वो कहाँ पर विजिट होगी? अजमेर के अंदर विजिट होगी. अब आज के टाइम पर भी हज़ारों लोग वहाँ पर दरगाह पर जाते हैं. अब निजामुद्दीन औलिया कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे डिसिपल थे किसके? बाबा फरीद के, जिन्होंने टीचिंग के बारे में बताया किसकी? अमीर खुसरो की. और उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया कि हमें भगवान पे कैसे विश्वास करना है. और उनकी जो दरगाह है वहाँ पे है दिल्ली के अंदर है, वहाँ पे उनकी दरगाह पे भी कितने लोग आज के टाइम में भी अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे दरगाह पे विजिट करने जाते हैं. बाबा फरीद किसके थे? डिसिपल थे मोहम्मदीन चिश्ती के, जिन्होंने लोगों के बारे में बताया. और एक इसको कंपोज करते थे हिंदू और मुस्लिम को. फिर ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती कौन थे? ग्रेटर सूफी सेंट थे, जो कि जिसके फाउंडर किसके बने? चिश्ती सिलसिला के. इंडिया कब आए थे? 1192 के अंदर इंडिया है और अजमेर के अंदर सेट हो गए. और इनकी दरगाह कहाँ पे? अजमेर में है. निजामुद्दीन अली कौन थे? किसके डिसिपल थे? बाबा फरीद के. और ये इन्होंने भी सेम चीज़ बताई कि हमें गॉड तक कैसे पहुँचना है और इनकी दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर. अब बात करते हैं सूफी ऑर्डर्स. जो सूफी थे वो ऑर्गेनाइज थे किसमें? 12 ऑर्डर्स के अंदर, जो हर सिलसिला के हर सिलसिला इसको ऑर्डर्स को क्या कहते हैं? और सिलसिला जो हर सिलसिला था वो किससे आइडेंटिफाई था? उनके कानखा के अंदर, उनके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग और उनके पीरियड के अकॉर्डिंग. और जो दो के नाम क्या थे? सुहारवर्दी, जो कि बहुत चिश्ती और सुहारवर्दी बहुत फेमस हुए थे. चिश्ती सिलसिला कौन सा था? एक टीचर प्रोमिनेंट टीचर एंड सेंट ऑफ द चिश्ती सिलसिला वॉज ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती. इस दरगाह इज वेरी स्टूडेंट लीग में सेंटर विजिटेड बाय बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम. इनकी जो एक दरगाह थी वो एक फेमस सेंटर बन गई थी, जो कि आज के टाइम में भी काफ़ी हिंदू और मुस्लिम वहाँ पर विजिट करने जाते हैं. अदर फेमस चिश्ती सेंटर से कुतुबुद्दीन शेख फरीद और बाबा फरीद एंड परेब्स की ग्रेट सूफी सेंट एवर. ही वॉज पॉपुलरली रेफर टू महबूब अले. इस दरगाह डेली इज विजिटेड बाय हंड्रेड ऑफ द पीपल. अब कई और सेंट्स हैं जिनकी जो दरगाह कहाँ पे दिल्ली के अंदर है. बंदनवास ऑफ गुलाबगर वॉज मोस्ट इंपोर्टेंट सूफी सेंट इन द साउथ इंडिया. और एक बंदवास है जो कि मेन कौन का है? साउथ इंडिया का है. सुवादी सिलसा दी फाउंडर ऑफ द सुवादी सिलसा वॉज शेख बाबा उद्दीन जैना. अदर फेमस सुहारुद्दीन सेंट्स वर शाह आलम खुरीवा एंड शेख शहबुद्दीन सुहारुद्दीन. दिस सिलसिला वॉज पॉपुलर इन सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया. और ये कहाँ पॉपुलर हुआ? नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर ही पॉपुलर हुआ. तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों उन्होंने पढ़ा कि भक्ति मूवमेंट क्या आती है, भक्ति मूवमेंट कैसे पॉपुलर हुई है. नारायण से कन्वर्स के बारे में पढ़ा, जैसे थ्री नारायण से होती है जो किसकी पूजा करते हैं? शिवा की पूजा करते हैं. और जो कल्पर्स है वो 12 नंबर के अंदर है, जो कि किसकी पूजा करते हैं? विष्णु की पूजा करते हैं. फिर आप लोगों ने पढ़ा तुलसीदास के बारे में और सुखदास के बारे में. जो तुलसीदास है वो किसके किसके डिवोट करते हैं? लॉर्ड राम की डिवोट करते हैं. और जो सूरदास है वो किसकी करते हैं? लॉर्ड कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं. और इसमें आप लोगों ने पढ़ा सूफी फिलोसफर के होते हैं, तीन फिलोसफर थे, बाबा फरीद, ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया. बाबा फरीद जो कि डिसिपल थे किसके? मोहम्मदीन चिश्ती के. और ये भी लोगों को बताते हैं कि हमें लोगों भगवान तक कैसे पहुंचना है. ख्वाजा मोहम्मदीन इस ग्रेटेस्ट चिश्ती थे सूफी सेंट्स के. और इसके फाउंडर थे चिश्ती सिलसिला के फाउंडर थे. और इनकी दरगाह कहाँ पे? अजमेर के अंदर इनकी दरगाह है, क्योंकि सबसे पहले अजमेर के अंदर आए थे. फिर निजामुद्दीन औलिया कहा थे कि किसके टीचर हैं? इन्होंने भी सेम चीज़ बताई कि हमें भगवान तक कैसे पहुँचना है. किसके डिसिपल हैं? बाबा फरीद के. और इनकी
तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके साथ ही जो हमारी हिस्ट्री का सिलेबस था वो भी कंप्लीट होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।